हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, एक न्यूज अभी छाई हुई है पूरी भारत में, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और ये न्यूज इतनी छाई हुई है कि कोई भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जो इस न्यूज को नहीं दिखा रहा। ऐसा लग रहा है कि वो भारत के ही प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जितना है उसको कवरेज मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है यहाँ पर इंडियन मीडिया द्वारा, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है वो भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऋषि सुनक एक इंडियन ओरिजिन के हैं। तो अगर हम यहाँ पर फैक्ट की बात करना चाहते हैं तो ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के नहीं है, ये फैक्ट है, ये गारंटी है। आप जाके चेक कर सकते हैं, गूगल में चेक कर सकते हैं, ऋषि सुनक के प्रोफाइल भी जाके आप देख सकते हैं कि ऋषि सुनक इज नॉट एन इंडियन ओरिजिन, ठीक है। और एक चीज यहाँ कन्फर्म मैं कर देना चाहता हूँ कि इंडियन ओरिजिन के क्यों नहीं है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय यूनाइटेड इंडिया था, पाकिस्तान बांग्लादेश साथ में थे। और 1935 में ऋषि सुनक के दादाजी जो रामदास सुनक, उन्होंने 1935 में केनिया में जा काम करने चले गए थे, कलर का काम करने चले गए थे। लेकिन उनके दादाजी का जन्म हुआ था, ऋषि सुनक के दादाजी रामदास सुनक का जन्म हुआ था पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जन्म हुआ था। लाहौर एक पाकिस्तान में शहर है, उसके एक जगह गुजरवाला में उनका जन्म हुआ था। और 1935 में वो केनिया चले गए काम के सिलसिले में। उसके बाद 1960 में वो केनिया से यूनाइटेड किंगडम में जा बसे, ठीक है। लेकिन जो रामदास सुनक की वाइफ थी वो दिल्ली की थी, है ना, रानी सुनक। और उसके उनके जो बेटे हुए यशवीर सुनक, जो ऋषि सुनक के फादर का हैं, और ऋषि सुनक के फादर हैं यशवीर सुनक, उन्होंने तंजानिया की लड़की से शादी की उषा सुनक। और ऋषि सुनक जो अभी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, वो रियल में पाकिस्तान ओरिजिन के ही हैं। क्योंकि एक लॉ है भारत में, एक लॉ चलता है उसमें कि जिनका फादर जहां जन्म होता है, उसके दादाजी जहां जन्म लेते हैं, वो वहीं के मूल का कहलाता है। तो हम उसे इंडियन ओरिजिन के ना कह के पाकिस्तान ओरिजिन के हम कह सकते हैं, पाकिस्तान मूल के वो व्यक्ति हैं। तो यहां पर एक हाइप किया जा रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान में बहुत सारे जितने हमारे ऐतिहासिक जगह है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो पाकिस्तान के एरिया में पड़ते हैं, उनको हम इंडिया के नहीं मानते, तो वो पाकिस्तान के जगह है, पाकिस्तान का काउंट होता है। इसी तरह से ऋषि सुनक भारत तो कभी आए नहीं और उनके दादाजी भारत यहाँ पर नहीं आए, तो वो पाकिस्तान के ही कहलाएंगे, है ना, पाकिस्तान के ही ओरिजिन के कहलाएंगे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्हें ज्यादा हाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री बने तो नहीं है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, तो पाकिस्तान के ही कहलाएंगे। गुजरवाला एरिया के वो रहने वाले थे उनके दादाजी। और ऋषि सुनक की जो वाइफ है वो है भारतीय अंताशा मूर्ति, जो इन्फोसिस भारत के एक कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है। तो यहां पर और जो ऋषि सुनक की दादी थी वो दिल्ली से थी, है ना, रानी सुनक। तो यहां पर जो अभी पूरी वर्ल्ड में पितृसत्तात्मक समाज चलता है, फादर के अकॉर्डिंग उनका वंश चलता है, तो फादर उनके और उनके दादाजी वो गुजरवाला के थे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका चलेगा। तो वो डेफिनेटली ये साबित हो चुका है कि ऋषि सुनक पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, वो भारतीय ओरिजिन के नहीं है। हमें क्लेम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका प्रोफाइल और जितना भी वहां दिया हुआ इन्फॉर्मेशन सारे के अकॉर्डिंग वो ऋषि सुनक रियली में पाकिस्तान के थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चले, थैंक यू।